नमस्कार, मैं हूं अरुण दुबे। सूचना नेटवर्क परिवार की ओर से आप सभी देशवासियों को होली के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। राजनीति में पिछले 5 साल सिर्फ एक ही नारा गूंजता रहा और वो था यूपी में रहना है तो योगी योगी कहना है। इस नारे में बीजेपी की तानाशाही मानसिकता साफ जाहिर हो गई। हिंदुत्व का राग अलाप कर बीजेपी एक बार फिर सत्ता में आ चुकी है तो इस बार पार्टी नए हथकंडे अपनाने में जुट गई है। एक खास समुदाय को टारगेट करते हुए योगी सरकार ने एक नया फरमान जारी किया है और ये फरमान जारी किया गया है छात्रों के लिए। दरअसल ये मामला है उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित टाइम्स समूह के स्वामित्व वाले बेनेट विश्वविद्यालय का, जहां छात्रों और उनके अभिभावकों से एक शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करने को कहा है, जिसमें उनसे विश्वविद्यालय कैंपस के भीतर या बाहर किसी भी प्रकार की देश विरोधी या असामाजिक गतिविधि में शामिल होने, उसे समर्थन करने या उसका प्रचार न करने के लिए कहा गया है। विश्वविद्यालय ने कहा है कि ये कदम उत्तर प्रदेश सरकार से मिले निर्देशों के तहत उठाया गया है। इन गतिविधियों को 5 बिंदुओं में परिभाषित किया गया है। किसी भी मुद्दे पर किसी भी ऐसी गैर कानूनी गतिविधि का हिस्सा बनना जिससे राज्य या अन्य लोगों के खिलाफ हिंसा भड़क जाए, भारत के किसी भी क्षेत्रीय हिस्से को लेकर कोई भी गैर कानूनी विचार या कार्य जो राष्ट्र के हितों के खिलाफ हो, ऐसी कोई भी गतिविधि जो भारत की सुरक्षा समेत इसकी एकता, अखंडता या संप्रभुता के खिलाफ जाती हो, कोई भी ऐसी गैर कानूनी गतिविधि जिसका उद्देश्य या वह ऐसी योजना का हिस्सा हो जिसका उद्देश्य बलपूर्वक सरकार को उखाड़ फेंकना है, आंतरिक शांति पैदा करना या सार्वजनिक सेवाओं को बाधित करना है और क्षेत्रीय समूहों या जातियों या समुदायों के बीच शांति, सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, सद्भाव को नुकसान पहुंचाना है, किसी भी गैरकानूनी बैठक या प्रदर्शन में शामिल होना। इसमें चेतावनी भी दी गई है कि इसके कई परिणाम हो सकते हैं जिनमें कॉलेज से तत्काल निष्कासित किया जाना भी शामिल है। अब योगी सरकार ने अपने इस फरमान के जरिए विशेष समुदाय को अपने निशाने पर लिया है, यानी यूपी में पढ़ना है तो योगी सरकार के मुताबिक ही रहना होगा।